कारण काम के आधार पर चरण स्थान के आधार पर स्वर। तो पहले हम स्वर लिख लेंगे, अ आ ई ई उ उ री ए ऐ और औ। ठीक है, जो ए है और आ है ये दोनों स्वर कंठ से बोले जाते हैं, ये दोनों स्वर कंठ से बोले जाते हैं। और जो ई और ई है ये दोनों स्वर ताल से बोले जाते हैं। जो उ और बड़ा उ है ये दोनों स्वर ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, जो री है ये है ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक है, जो ए और ऐ है ये स्वर, देखो ए ये किससे मिलकर बना हुआ है, ए ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर ए। ठीक है, तो ये ए किससे बोला जाता है, कंठे से, और जो ई है ये तालव्य से बोली जाती है। तो कंठ तालव्य, जो ए है वो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। वो और औ है ये स्वर ए प्लस ऊ इससे मिलके बना होता है। वो ए तो कंठे से बोला जाता है और ऊ है वो ओष्ठ से बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ठीक है, ये बात होगी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर है वो ए आ है वो कंठे से बोले जाते हैं, ई ई है वो तालव्य से बोले जाते हैं, ऊ ऊ है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, और जो री है वो मूर्धन्य से बोले जाते हैं, ए ऐ है वो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं, जो ओ और औ है वो कंठ और होठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इनका याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, देखो ए अनार होता है और आ आम होता है, दोनों जब खट्टे होते हैं तो कंठ पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, कंठ पकड़ते हैं, मतलब ए और आ कंठे से बोले जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है वो जन्म लेता है तो क्या करता है, चीं चीं करता है। ठीक है, मतलब जो चयावरक होगा ना हमारा, जो हमारा चयावरक होगा वो भी तालव्य से बोला जाएगा। तो बच्चा जब चैं चैं करता है तो उसके तालव्य के क्या लगाना है, इमली लगानी है, उसके तालव्य के क्या लगानी है, इमली लगानी है। ठीक है, जो ऋषि महात्मा होते हैं ना वो हमेशा मूर्धन्य अवस्था में रहते हैं, और जो ए और ऐ है वो कंठ है तालव्य से बोला जाता है, ओ औ कंठोष्ठ से। आगे हम ये हमारा स्वर है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, और हम अब व्यंजन करेंगे जो कि अगले पार्ट में दिखाएंगे।